ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज, समीर वन खेड़े बोले सत्यमेव जयते। पुलिस के हिरासत में प्रियंका, आगरा जा रही प्रियंका गांधी वाड्रा को लखनऊ पुलिस ने हिरासत में लिया। ओपी राजभर ने की अखिलेश यादव से मुलाकात, बोले अब की बार भाजपा साफ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। समाजवादी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने लालबाग स्थित महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के साथ तमाम समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। खबर लखनऊ से है, जहां वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण आज किया गया है। सपा के तमाम नेता मौजूद रहे और प्रियंका गांधी ने भी वाल्मीकि की मूर्ति पर माल्यार्पण किया था। समाजवादी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने लालबाग स्थित महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के साथ तमाम समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद रहे। महर्षि वाल्मीकि को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और महर्षि वाल्मीकि के बताए हुए रास्ते पर चलने का हम लोग संकल्प लेते हैं। समाज में जो कुरीतियां हैं, समाज में जो पक्षपात है, वो महर्षि वाल्मीकि से प्रेरित होकर उन कुरीतियों और पक्षपात को समाप्त करने में समाजवादी आंदोलन से हम समाज पर संगठित होकर काम करेंगे और सभी को मैं महर्षि वाल्मीकि जयंती। ललितपुर में खाद की किल्लत से किसान परेशान, तो वहीं अनेकों किसानों ने बताया कि ओवर रेट का विरोध करने पर दुकानदार दुकान बंद कर लेते हैं और खाद ना होने की किसानों को दे देते हैं, हवाला देते हैं। इससे किसानों में काफी आक्रोश पनपने लगा है। किसान ने अधिकारियों से भी खाद विक्रेताओं की शिकायत की, लेकिन अभी भी किसानों को उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे अब किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें छाने लगी हैं। गुस्साए किसानों ने मड़ावरा में रोड जाम करा और जिसमें आवागमन भी पूरी तरह ठप हो गया। किसानों की मांग है कि उन्हें शीघ्र उचित मूल्य में खाद उपलब्ध कराया जाए। पुलिस की कस्टडी में युवक की मौत का मामला पोस्टमार्टम गृह पर कांग्रेसी व वाल्मीकि समाज के लोगों की जमकर मारपीट हो गई, जिस पर भाजपा के राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य कमल वाल्मीकि ने कहा कि कांग्रेसी माहौल खराब करना चाहते हैं। घटना सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले को समझा बुझा कर शांत कराया। पुलिस खबर आगरा से है, जहां पर पुलिस की कस्टडी में युवक की मौत का मामला में पोस्टमार्टम गृह पर कांग्रेसी व वाल्मीकि समाज के लोगों की जमकर मारपीट हो गई, जिस पर भाजपा के राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य कमल वाल्मीकि ने कहा कि कांग्रेसी माहौल खराब करना चाहते हैं। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले को समझा बुझा कर शांत करवाया है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से माहौल में एक अलग तरीके की अफरा तफरी मची हुई है। उस घटना को लेकर लोगों में आपस में ही एक मारपीट का माहौल देखने के लिए मिल रहा है।
बलिया में बैलगाड़ी की सवारी कर समाजवादी छात्र सभा ने पहुंच डीएम कार्यालय पहुंचकर पेट्रोल, डीजल, गैस, सरसों तेल के बढ़ते दामों के खिलाफ प्रदर्शन किया। डीएम को पत्र देकर तेल के दामों को आधा करने की मांग उठाई और योगी मोदी सरकार का नहीं डूबे तो मर कर नारा दिया। साथ ही सपा नेता ने कहा कि महंगाई पर नियंत्रण नहीं हुआ तो समाजवादी छात्र सभा बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगी। माननीय जिला अधिकारी के द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन देने का काम किए कि इस प्रदेश में, इस देश में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ, जैसा कि आप मीडिया साथी आप लोग जानते हैं, इस देश में जब पिछले 7 साल पहले भाजपा की सरकार नहीं थी और भाजपा की सरकार के पहले भाजपा के द्वारा, भाजपा की सरकार के लोगों के द्वारा जिस तरह से महंगाई को लेकर नंगा नाच किया जाता था, वर्तमान की सांसद स्मृति ईरानी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के सदन के सामने प्याज और आलू लेकर, जिस तरह से गैस को लेकर नंगा नाच करने का काम किया था, आज उनके चेहरे पे, उनके आंखों पे पट्टी बंध गई है कि आज उनके सरकार में पिछले 7 सालों में जो गैस का दाम 450 था वो 1000 के पार हो गया है। जो गरीबों को गैस की दिक्कत आ रही है, किल्लत आ रही है, जो बेरोजगार लोग हैं उनको पेट्रोल भराने में दिक्कत आ रही है, वो इसका सीधा सीधा असर नौजवान, किसानों, गरीब परिवार पर पड़ रहा है। आज ये जो वर्तमान समय में जो ये सरकार गुंगी बहरी हो गई है, उसके समझ में नहीं आ रहा है। पहले ही कोरोना 19 की वजह से गरीबों का हाल बेहाल है, इस समय फिर पेट्रोल के माध्यम से दाम बढ़ाने की वजह से, डीजल के दाम बढ़ने से आम गरीबों का जीना दूभर हो गया है। इसी तरह चलता रहेगा तो आम जनमानस का सब्र का बांध टूट जाएगा और आने वाले दिनों में यह सरकार। अयोध्या से डीसीएम ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि अयोध्या से बहराइच के लिए पेंट लेकर निकला था डीसीएम ड्राइवर जिसका सीतापुर में शव मिला है और घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने ड्राइवर का पोस्टमार्टम करवाया तो वहीं अयोध्या शव पहुंचने पर मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने डीसीएम मालिक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की है और साथ ही साथ मुआवजा भी मांगा है। खबर अयोध्या से है जहां डीसीएम ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। जहां आपको बता दें कि अयोध्या से बहराइच के लिए पेंट लेकर निकला था डीसीएम ड्राइवर जिसका सीतापुर में शव मिला है और घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने ड्राइवर का पोस्टमार्टम करवाया तो वहीं अयोध्या शव पहुंचने पर मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने डीसीएम मालिक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की है और मुआवजा भी मांगा है। बेसिक शिक्षा विभाग बलिया के कर्मचारी और शिक्षक नेता जितेंद्र सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें डीसी को धमकी और घर में घुसने की बातें कही जा रही हैं। आपको बता दें कि नेता बीएसएस शिक्षा मित्र का एक दिन पेमेंट कटने से नाराज थे और सामने न आने की बात कह दी। डीसी पद पर तैनात नूरुल हड्डा और शिक्षक नेता जितेंद्र सिंह वायरल ऑडियो बताया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं ये ऑडियो। सर समय से नहीं मतलब होता है ना भाई, सर जब करेंगे तभी होगा, ऐसे थोड़े हो जाएगा। तो अन्य लोगों का हुआ तो उसी में करा दिया गया होगा, पेपर आप ही के पास था ना? उनका नहीं हुआ है क्या? अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा चलिए, तो उसको दिखवा ले रहे हैं। दिखवा मत लीजिए, सोमवार को आए तो करा दीजिएगा, मेरा भाष जोड़ करके आपसे विनती है, जान लीजिए। अब चलिए मैं देख ले रहा हूँ उसको। भाई इस तरह की खुशियों से बड़ा कष्ट हो रहा है, जान लीजिए। अब नहीं कष्ट की उसमें देखिए, जब अगर बीएसए की स्तर से निरीक्षण, बीएसए अब देखिए, दिमाग मत खराब करिए, मैं नहीं चाहता हूँ कुछ कहूँ, उसको सम्मान कहने के लिए स्वतंत्र है, कोई मना थोड़े कर सकता है। ये मना कर देंगे हम, भारत पे आ जाएंगे, मना हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको। मत करिए हमको, मत करिए हमको, आपसे डरे हुए हैं, ऐसी बात आप कर रहे हैं। घरों पे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये बताइए। अब घर पे आएंगे तो बताएंगे कि किन कारणों से छूट गया। जब सबका हो रहा है, आप दो महीना बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात करिए ना, इसमें हमसे क्या बात करें, क्यों नहीं हुआ है सर, जवाब देंगे। हम बेसिक से ही बात करेंगे, उनको बैठने दीजिए, बात करिए। और दूसरी चीज आपको बता रहा हूँ, जब भी मैं बेसिक के साथ बैठू आप तब से मत बैठिए। आप ये कहने से थोड़े, मैं आप कौन होते हैं हमको निर्देशित करने वाले? ठीक है तुम बैठ जाना, निर्देशित करने वाले ये बंदे, तुम बैठ जाना और अपनी हाथ से देख लेना। हाँ तो तुम भी अपना हाथ से देख लेना, बेतरीजी वाली बात मत करिए। ठीक है, मत होइए, तुम्हारी आवाज पर ही आ जा रहा हूँ, तुम कहाँ हो बताओ, मैं आ जा रहा हूँ। मैं आवाज से ही हूँ, आ जाओ देख लेते हैं, आ जाओ। आ रहा हूँ, आ जाओ, आ
समझा रहा हूँ, तुम्हारी हैसियत को समझा दे रहा हूँ। आ जाओ अपनी हैसियत समझो, फालतू बात मत करिए। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसी बात मत करिए। कौन है अपने उसमें रहिए, आइए आवाज पे। आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, आ जाओ। सर समय से नहीं मतलब होता है ना भाई, सर जब करेंगे तभी होगा, ऐसे थोड़े हो जाएगा। तो अन्य लोगों का हुआ तो उसी में करा दिया गया होगा, पेपर आप ही के पास था ना। उनका नहीं हुआ है क्या? अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा चलिए, तो उसको दिखवा ले रहे हैं। दिखवा मत लीजिए, सोमवार को आए तो करा दीजिएगा, मेरा हाथ जोड़ करके आपसे विनती है, जान लीजिए अब। चलिए मैं देख ले रहा हूँ उसको। हमारी इस तरह की स्थितियों से बड़ा कष्ट हो रहा है, जान लीजिए अब। नहीं कष्ट की उसमें देखिए, जब अगर बीएसए के स्तर से निरीक्षण, बीएसए अब देखिए दिमाग मत खराब करिए, मैं नहीं चाहता हूँ कुछ कहूँ, उसको सम्मान थोड़े कहने के लिए स्वतंत्र है, कोई मना थोड़े कर सकता है। ये मना कर देंगे, हम हवा पे आ जाएंगे, मना हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको। मत करिए हमको, मजबूर मत करिए हमको कि आपसे डरे हुए हैं, ऐसी बात आप कर रहे हैं। घर पे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये बताइए। हम घर पे आएंगे तो बताएंगे कि किन कारणों से छूट गया। जब सबका हो रहा है, आप दो महीना बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात करिए ना, इसमें हमसे क्या बात करें, क्यों नहीं हुआ है सर, जवाब देंगे। हम बेसिक से ही बात करेंगे, उनको बैठने दीजिए तो बात करिए। और दूसरी चीज आपको बता रहा हूँ, जब भी मैं बेसिक के साथ बैठू आप तब भी मत बैठिए। आप ये कहने से थोड़े, मैं आप कौन होते हैं हमको निर्देशित करने वाले? ठीक है तुम बैठ जाना, निर्देशित करने वाले ये बंदे, तुम बैठ जाना और अपनी हाथ से देख लेना। हाँ तो तुम भी अपना हाथ से देख लेना, बेतरीजी वाली बात मत करिए। ठीक है मत होइए, तुम्हारे आवाज पर ही आ जा रहा हूँ, तुम कहाँ हो बताओ, मैं आ जा रहा हूँ। मैं आवाज से ही हूँ, आ जाओ देख लेते हैं। आ जाओ, आ रहा हूँ, आ जाओ, आ रहा हूँ, तुम्हारी हैसियत को समझा दे रहा हूँ, आ जाओ अपनी हैसियत। खबर आगरा से है, जहां पुलिस कस्टडी में सफाई कर्मी अरुण वाल्मीकि की मौत का मामला एडीजी जोन आगरा राजीव कृष्ण का बयान सामने आया है। एडीजी ने कहा है कि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ विभागीय जांच की जाएगी, जिसमें स्वाट क्राइम ब्रांच और एसओजी के साथ अन्य पुलिस कर्मी से पूछताछ की जा सकती है। अरुण वाल्मीकि की मौत का मामला उत्तर प्रदेश में गरमाया हुआ है। उस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने अरुण नामक एक व्यक्ति पर उनको संदेह हुआ, जो कि थाने में ही स्वीपर का कार्य करता था। इस संदिग्ध को कल जब लाया गया, पूछताछ की गई, तो उसने अपना इन्वॉल्वमेंट बताया और परिवार वालों के साथ में उसकी निशानदेही पर उसके घर पर रिकवरी करने के लिए पुलिस टीम गई। करीब 15 लाख रूपये उसके घर से रिकवर हुए। वहीं पर जो बताया गया है, वहीं पर उसकी तबीयत खराब हुई, उसको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल में ही वाज ब्रॉट डेड। सुहागिनों के सुहाग का पर्व करवा चौथ 24 तारीख को मनाया जाएगा, जिसको लेकर सभी सुहागिन महिलाएं अपने अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं और उनके लिए निर्जला व्रत रखती हैं, जिसको लेकर महिलाओं में उत्साह देखना प्रारंभ हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र के कस्बा बलदेव के बाजारों में रौनक भी देखी जा रही है, जहां पर महिलाएं अपने अपने सुहाग के लिए सामान की खरीदारी कर रही है और कहीं कोई चूड़िया खरीद रहा है तो कहीं कोई पायल, तो कहीं कोई महिला अपने सुहाग का सामान जैसे करवा खरीद रही है। बाजारों में भारी भीड़ देखी जा रही है और महिलाएं भी काफी उत्साहित दिख रही हैं। ऐसा ही उत्साह बाजारों में देखने को मिला है, जहां पर महिलाएं अपने अपने सुहाग के कामना के लिए व्रत रखेंगी और उसकी तैयारियों में अभी से जुट गए हैं। इस संबंध में जब हमने वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत की तो कुछ का कहना था कि महंगाई भी इस बार के करवा चौथ के पर्व पर देखने को मिल रही है, लेकिन उत्साह महिलाओं में पूरा दिख रहा है, उत्साह में कोई कमी नहीं है और महंगाई जरूर बाजार में देखी जा रही है। स्थिति तो बढ़िया है, लेकिन दुकानदारी नहीं हो पा रही है, कहीं महंगाई की मार बहुत है। दुकानदारी चल रही है बस थोड़ी बहुत, हल्की फल्की तो ले रही है, बस थोड़ा थोड़ा ले रही है अपनी जरूरत के हिसाब से, ज़्यादा नहीं। जितनी की महंगाई जितनी बरसात हुई है, इससे किसान परेशान है। बढ़िया चल रही है, दुकानदारी ठीक हो रही है, बाजार हो रही है और अच्छा चल रहा है बाजार में। कुल मिलाकर जैसे पहले पर्व होते थे, क्या ऐसा उत्साह दिख रहा है? मथुरा के नौजील ब्लॉक के गांव में विदों ने ओहवा और एक अनजान बीमारी बढ़ती जा रही है। लोगों की माने तो सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण बीमार हैं और करीब एक दर्जन के करीब मौत हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि तमाम सूचनाओं के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम सुरीर के गांव को ओहवा विदौनी में नहीं पहुंच पाई है। प्राइम टीवी की
टीम विदौनी व ओहावा के लोगों से जानकारी करने पहुंची तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई घर नहीं जिसमें कोई ना कोई बीमार पड़ा ना हो और हम लोगों को अभी तक बीमारी का पता नहीं है जिसका इलाज हम कराएं। कभी कोई डॉक्टर डेंगू तो कभी कुछ बता कर टरका देते हैं। कई बार सूचना करने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग का कोई भी नुमाइंदा गाँव नहीं आया है मगर रोजाना मौतों का क्रम बढ़ता जा रहा है। समस्या क्या है, हमारे ओहावा और बदौनी दोनों गांवों में बहुत बुरी तरह से बीमारी फैल रही है और इसकी कोई देख रेख नहीं हो रही है, सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है और हमारे पड़ोसी गांव ओहावा बदौनी में कई लोग। दीपावली त्यौहार आते ही प्रजापति समाज मिट्टी से निर्मित चीजों को बनाने की तैयारियों में जुट गया है। आपको बता दें कि दिवाली के त्यौहार आते ही प्रजापति समाज जो कि मिट्टी से तमाम चीजें बनाने का कार्य करते हैं वे लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों को बनाने के कार्यों में दीपावली त्यौहार आने से पहले ही शुरू कर देता है। ये अपना कार्य दीपावली तक पूरा करके दीपावली पर बेच कर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का असर पश्चिम उत्तर के मैदानी इलाकों में भी साफ नजर आ रहा है। पहाड़ों पर हुई लगातार भारी बारिश के बाद उत्तराखंड के रामनगर और कालागढ़ बैराज में जमा पानी खतरे के निशान को छूने लगा है जिसके बाद रामनगर बैराज को कोसी नदी में 1,20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसी वजह से बाद रामपुर और मुरादाबाद जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना इलाके के नेशनल हाईवे पर भी बाढ़ का पानी आ गया है जिसकी वजह से जिला प्रशासन ने दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर वाहनों का आवागमन रोक दिया है जिसकी वजह से हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई है। हालात को देखते हुए डीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए कोसी नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण जो है इस हमारे बॉर्डर पे और कोसी नदी के किनारे जो है पानी ज़्यादा बढ़ा है और जैसा डीएम साहब ने कहा कि कुछ गांव ऐसे हैं जहां के कृषि योग्य जो भूमि है वो जलमग्न हुई है और आबादी 4-5 गांव में प्रभावित हुई है। पुलिस की टीम भी लगी हुई है, पीएसी से हम लोगों ने जो है हमारी फ्लड कंपनी है उसकी टीम को बुला लिया गया है तो जहाँ भी लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम भी करेंगे। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण जो है यहाँ जलप्लावन की स्थिति है, लगभग 5 गांव हमारे ऐसे हैं जिसमें आबादी क्षेत्रों में पानी प्रवेश कर रहा है, इसके अतिरिक्त 6 गांव में हमारा कृषि क्षेत्र प्रभावित है और पूरी स्थितियों पर हम लोग निगाह रखे हुए हैं। खबर सहारनपुर से है जहां अवैध धर्मांतरण मामले में एटीएस लखनऊ ने जिस नितिन पंत को मौलाना कलीम के खिलाफ सरकारी गवाह बनाया है उसे अब धमकी मिल रही है। नितिन पंत से कहा गया है कि वे मौलाना के खिलाफ बयान नहीं दे वरना जान का खतरा हो सकता है। धमकी आश्रम पहुंची और एक महिला ने दी है जिसके बाद नितिन पंत ने आज एसएसपी ऑफिस पहुंचकर एक प्रार्थना पत्र एसएसपी को सौंपा है जिसमें उसने बताया कि अगर सपा सरकार आती है तो उनको 40 लाख रुपए और एक लाल बत्ती की गाड़ी भी दी जाएगी। जिसके बाद सरकारी गवाह नितिन पंत ने एसएसपी से प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई है। जिस तरीके से उसको राजनीति षड्यंत्र के तहत धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार कलीम सिद्दीकी मामले में गवाही देने को लेकर जान का खतरा भी बताया जा रहा है। मुझे प्रलोभन दिया गया है पैसों का और सपा की सरकार आने के बाद लाल बत्ती गाड़ी और 40 लाख रुपये का। अच्छा, किसने दिया? एक फर्जी महिला है, नाम है सविता देवी जमुना दास, उन्होंने दिया है और उन्होंने यूँ कहा है कि हम आपको पैसे देंगे, जितने पैसे चाहिए उतने पैसे ले लो, बयान बदल दो मौलाना कलीम के खिलाफ। किसके खिलाफ? हाँ, मौलाना कलीम जिसको पकड़वाया है उसके खिलाफ जो बयान दे रहे हैं वो बयान मत दो। मौलाना कलीम कौन है? मौलाना कलीम एक आतंकवादी गतिविधि वाला शख्स है, वो हिंदुस्तान में धर्मांतरण का, हथियारों का और मनी लॉन्ड्रिंग का काम करवाता है। ऐसे व्यक्तियों को तो फांसी होनी चाहिए और वो देवी जी जो हैं वो यूँ चाहती हैं कि उनको बयान ना दिया जाए उनके पक्ष में, उनके खिलाफ बयान ना हो तो बच जाए। ये तो मेरे को कोई राजनीतिक चाल लग रही है उनकी। आज क्या करने आया?
मथुरा में मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष पंडित भारत भूषण शर्मा के नेतृत्व में जनपद में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, जिला प्रशासन और नगर निगम की निष्क्रियता और डेंगू के बढ़ते हुए प्रकोप के विरोध में शहर के हृदय स्थल होली गेट पर कार्यक्रम किया जाना था। पुलिस ने अपनी दमनकारी नीतियों का प्रयोग करके यूथ ब्रिगेड जिलाध्यक्ष पंडित भारत भूषण शर्मा को घर के रास्ते से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सपा नेता के बढ़ते हुए दबाव के कारण सपा नेता को थाने से छोड़ दिया गया। जैसे जैसे दीपावली का पवित्र त्यौहार नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही बाजार में रौनक लौट रही है। पिछले सालों की बात करें तो कोरोना महामारी के कारण दीपावली का त्यौहार लोग अच्छे से नहीं मना पाए थे, लेकिन इस बार लोगों में दिवाली के लिए खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सहारनपुर के देहरादून रोड स्थित अग्रवाल फायर वर्कर्स के मालिक कमल रस्तोगी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दो सालों में कोरोना वायरस के कारण लोग दिवाली का त्यौहार कोरोना गाइडलाइन के अनुसार और प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए ही मना रहे थे, लेकिन इस बार पटाखों की अच्छी बिक्री देखने को मिल रही है, जिसमें सबसे अच्छी बात है कि इस बार मार्केट में बिना प्रदूषण के पटाखे, जिनमें हम ग्रीन पटाखा कहते हैं, उनकी ग्राहक ज्यादा खरीदारी कर रहा है। तो वहीं दुकान पर मौजूद एक ग्राहक नीरज गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि दिवाली हमें ग्रीन पटाखों के साथ ही मनानी चाहिए और छोटे बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। रहने वाले तो मेरा ठेला, यहाँ से गुजर रहे थे तो भाई की दुकान देखकर रुक जाते, और दीपावली का त्यौहार है, पटाखों का रोशनी का त्यौहार है। पिछले दो बार से कोरोना के कारण लोग दीपावली ढंग से नहीं मना पा रहे थे, लेकिन इस बार लोगों में उत्साह है। इधर बस ये है कि कोरोना को देखते हुए, कोरोना के नियमों को पालन करते हुए हम पटाखे छुटाएँ, सावधानी से छुटाएँ और अपना बचाव करें, पर्यावरण का बचाव करें। इस बार आपका पटाखा जो है बहुत ही उसका है कम प्रदूषण का, ज़्यादा प्रदूषण का नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सब वैरायटी है यहाँ मुर्गे की, सोने की, सुप्रीम की, रविंद्र की। डीएमएसपी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और नदियों में जलस्तर बढ़ने की आशंका भी जताई। साथ ही गांव के लोगों से कहा कि सचेत रहें और संपर्क बनाए रखें। आपको बता दें कि शाहजहांपुर जनपद में लगातार दो दिन से हो रही भारी बरसात के कारण कई क्षेत्रों में अफरा तफरी मची हुई है। कहीं बांध टूट गए हैं तो कहीं घरों में पानी घुस गया है, तो कहीं किसानों की धान की खेती चौपट हो गई है। गर्रा नदी के कैचमेंट में चूंकि अभी वर्षा के कारण जल भराव हो रखा है, तो अभी हम लोग इसी को देख रहे हैं और गांव में जारी किया गया है ताकि लोग सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर जाएं। और गर्रा नदी में जो पानी है कल सुबह तक आ जाएगा, 6 बजे तक ऐसी संभावना है। तो ये जब आएगा तो शहर के कुछ इलाकों में पानी जा सकता है और गाँव में उनमें पानी जा सकता है। रायपुर और कुछ और गाँव है फिलहाल कैसे होती है सतर्क है, तो वहाँ के लिए अलर्टनेस जारी किया जा रहा है। मेरी अपील है लोगों से, जो नदी के पेटे पर बसे हुए लोग हैं, जो नीचे लेवल पर बसे हुए लोग हैं, उन कृपया सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां एक तरफ जहां सरकार संचार रोग नियंत्रण अभियान के तहत गांव-गांव दस्तक अभियान चलाकर रोग नियंत्रण करना चाह रही है, तो वहीं सिद्धार्थनगर जिले में आशा संगनियों ने चीफ फार्मासिस्ट पर अभद्र भाषा बोलने लगा रही का आरोप लगाते हुए दस्तक अभियान को ठप कर सीएससी अस्पताल के सामने प्रदर्शन कर चीफ फार्मासिस्ट को हटाने की मांग की है। आशा संगनी जिलाध्यक्ष विनीत मिश्रा ने कहा कि चीफ फार्मासिस्ट ने आशा संगनी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसकी शिकायत अधीक्षक से किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं इस मामले में चीफ फार्मासिस्ट का कहना है कि आरोप निराधार है और महिलाओं का सम्मान करता हूं। दस्तक अभियान का सारा सामान सीएचसी अधीक्षक बीसीपीएम के कमरे में रखवाए हैं और जैसे ही मैंने रिसीव करने से मना कर दिया, तब अधीक्षक से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दे दिया है, अग्रिम कार्यवाही भी वही करेंगे। हम अपने संगठन के जिला अध्यक्ष के पद पर हैं। हमारे यहाँ दस्तक अभियान चल रहा था, रविवार को हम लोगों को बुला करके गिरीश चंद्र शुक्ला के द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। आशाओं को कोई मानदेय नहीं दिया जाता है, ना तो कोई, हर अभियान में आशाएं ही सहयोग करती हैं और कोई नहीं सहयोग करता है। हम लोग सुरक्षा के नाम पर ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर लेने के लिए इनके पीछे पीछे सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक बैठे रहे, लेकिन ये हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं की। दस्तक अभियान बाधित नहीं चल रहा है, आंशिक रूप से कार्य हो रहा है, जैसे हम लोग एनएम और सीएचओ के माध्यम से कार्य करा रहे हैं। और जगह थोड़ा सा समस्या जो आई है, उस समस्या से सर को अवगत करा दिया गया है। आपको
क्या समस्या थी? सर ने आश्वासन दिया है कि कुछ न कुछ। उत्तर प्रदेश के बलिया खुलेआम में दो पक्षों के बीच लाठी डंडे जमकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें दो पक्षों के बीच मोटरसाइकिल टकराने के विवाद को लेकर फिल्मी स्टाइल में मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेकर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों पक्ष को 10 लोगों को पुलिस हिरासत में ले लिया है और घायलों का पुलिस मेडिकल करवा रही है। अमृतपाली थाना कोतवाली बलिया में दो पक्षों में मोटरसाइकिल लड़ जाने को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें काफ़ी मारपीट हुई है। इस संबंध में दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा कायम है और दोनों तरफ से 5-5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। जिन लोगों को चोट लगी है उनका मेडिकल कराया जा रहा है और नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर कितने लोग इसमें घायल होंगे मारपीट में? इसमें कुल अभी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और अभी तो 3-4 लोगों के घायल होने की सूचना है, एक पक्ष से, और एक पक्ष से भी 3-4 लोग घायल होने की सूचना। कब की घटना है ये? घटना कल दिनांक 19 अक्टूबर 2021 की है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद यूपी के प्रभारी संजय सिंह ने आज प्रेस वार्ता के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को कई अहम मुद्दों पर घेरा और कहा, योगी सरकार के शासनकाल की एक और बहुत ही पीड़ादायक घटना सामने आई है, जिसमें आगरा के वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी की पुलिस ने पीट पीट कर हत्या कर दी। योगी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश पुलिस बेलगाम हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस को अपराध करने की छूट दे दी गई है। सदी अन्य मुद्दों पर भी योगी सरकार पर निशाना साधा और चिटफंड घोटाले के पीड़ित लोगों के लिए एक अलग प्रकोष्ठ का गठन किया, जिसमें 200 लोगों ने आज आप पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। नहीं, मुझे लगता है कि इसमें यही तो मुश्किल है कि हत्या करना जुल्म नहीं है, शोक संवेदना व्यक्त करना जुल्म कैसे हो गया। यहां यही काम इन्होंने, जब मैं लखीमपुर जा रहा था, किया। 57 घंटे तक मुझे पुलिस हिरासत में रखा, उसके बाद बोले आप जा सकते हैं। तो ये कौन सा तरीका है? अगर एक घटना हुई है वहां शोक संवेदना व्यक्त करने जाएगा आदमी? उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में बस इतना है और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।